हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप यहां पर कैसे पता लगा सकते हो जो गैजेट आप यहां पर मंगवा रहे हो, जो पार्ट यहां पर आप मंगवा रहे हो, जो यहां पर आप अप्लायंसेस को मंगवा रहे हो, वो अप्लायंसेस आपके यहां पर ओरिजिनल है या फिर फेक है? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी बैटरी यहाँ पर आप रिप्लेस करने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल पुरानी वीडियो का अगर देख लीजिए तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों बैटरी में से आपकी दो बैटरीज यहाँ पर डुप्लीकेट हैं। तो ये दोनों जो BM41 लिखी हुई हैं, तो ये आपके यहाँ पर डुप्लीकेट बैटरीज हैं। तो मैंने इनको खोल के दिखा दिया था। तो फिलहाल हर कोई तो खोल नहीं सकता, क्योंकि इसको उठाना, उसका वापस चिपकाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल कैसे पता लगाएं कि कौन सी बैटरी यहाँ पर ओरिजिनल है, कौन सी यहाँ पर फेक है? तो फिलहाल आपको बता देता हूँ, ये जो BM44 है, ये आपके यहाँ पर ओरिजिनल बैटरी है, क्योंकि ये आपके ये मोबाइल फ़ोन के साथ आई है। तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएं कि आपकी जो बैटरी है वो आपकी ओरिजिनल है कि फेक है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बैटरी का जो कलर है थोड़ा सा ऑरेंजिश है, जबकि यहाँ पर जो रेड साइड को ऑरेंज आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कलर से तो आप पहचान लगा सकते हो, बट एग्जैक्टली कलर से तो हर कोई यहाँ पर पहचान नहीं सकता, क्योंकि कोई रेफरेंस हो तो उसके बाद ही कोई यहाँ पर कंपेयर कर सकता है। एग्जैक्टली अगर इंडिविजुअल आपको ये बैटरी देखनी है तो फिलहाल आप इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ पर वेट से चेक कर लें। अगर वेट ज़्यादा है, मतलब कि उसके अंदर लिथियम आयन या जो भी मैटर है वो ज़्यादा होगा, तो वो मे बी आपके यहाँ पर ओरिजिनल हो सकती है। बट आपने देखा कि इसका वेट तो ज़्यादा था, बट ये अंदर से खोलने के बाद ओरिजिनल नहीं मिली। तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएं कि आपकी जो बैटरीज हैं वो आपकी यहाँ पर ओरिजिनल है? तो आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ ले लें आप, चाहे आप यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर बैटरी लें, चाहे आप यहाँ पर हार्ड डिस्क लें, चाहे आप यहाँ पर LCD पैनल लें, चाहे आप यहाँ पर चार्जर को लें, चाहे आप यहाँ पर किसी अप्लायंसेस के गैजेट को लें, चाहे आप यहाँ पर किसी मदरबोर्ड को लें, चाहे किसी आप यहाँ पर फ्लेक्स केबल को लें। तो फिलहाल किसी भी केस में अगर आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेते हो तो उन रिप्लेसमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर। देख लीजिए, ये सीरियल नंबर है। अब इस सीरियल नंबर को कैसे चेक करें कि आपका सीरियल नंबर यहाँ पर ओरिजिनल है कि फेक है? तो फिलहाल एक ही तरीका है, जिस दुकान से आप यहाँ पर इस पार्ट्स को ले रहे हो, तो एक बार उससे कहोगे कि मुझे दूसरा पार्ट दिखाएं, मतलब कि मुझे इसका कोई दूसरा पीस दिखाएं। अगर दूसरा पीस वो दिखाता है तो फिलहाल चेक करें दोनों पीस के ऊपर जो सीरियल नंबर है वो सेम ना हो। तो फिलहाल ये तो हो नहीं सकता, बट यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट होगा तो दोनों के ऊपर जो सीरियल नंबर रहेगा वो आपका यहाँ पर सेम रहेगा। तो फिलहाल इससे आप यहाँ पर किसी भी गैजेट, किसी भी पार्ट को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये गैजेट, ये पार्ट आपका यहाँ पर ओरिजिनल है कि फेक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दुकान में जाना है। लेट्स सपोज आपने ये बैटरी लेनी है, तो मैं गया कि मुझे यहाँ पर यूरेका प्लस की बैटरी दे देता। आप देख सकते हैं कि कल ही मैंने ये बैटरी ली है, और ये ओरिजिनल है ये फेक है, इसका मैंने कैसे पता लगाया? तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने दुकान पर गया, दुकान वाले ने मुझे बैटरी दी, मैंने कहा भैया दूसरा पीस देना, थोड़ा सा पुराना लग रहा है, कस्टमर शायद ना ले, फेक माने या, तो उन्होंने मुझे दूसरा पीस दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों पीस के सामने सामने रखा और चेक किया कि दोनों पीस पर जो सीरियल नंबर है वो सेम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर डुप्लीकेट बैटरी होगी तो सीरियल नंबर पर दोस्तों कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, क्योंकि आप एक बैटरी लोगे या दो लोगे तो दोनों केसेस में सीरियल नंबर मैच भी कर जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर अगर बहुत सारी बैटरीज का सेम सीरियल नंबर आ रहा है तो फिलहाल उस केस में दोस्तों यहाँ पर दिक्कत है। जो लोकल वेंडर है उसने यहाँ पर जो बैटरीज है उसको बनाया है, और उस केस में जो प्रिंटिंग हुई है इस पेपर की, तो फिलहाल ये पेपर की जो प्रिंटिंग हुई है वो आपके यहाँ पर कॉमन हुई है, मतलब कि यहाँ पर पैसे बचाने के लिए, ज़्यादा मार्जिन कमाने के लिए सीरियल नंबर चेंज नहीं किया है। हालांकि इक्का दुक्का में चेंज मिल जाएगा, बट अधिकतर केसेस में आपको सीरियल नंबर रिपीट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप पता लगा सकते हो। तो क्या करना है, आपको दुकान में जाना है, सबसे पहले तो पूछना कि भैया मुझे ओरिजिनल देना। उसने कहा हाँ ये ओरिजिनल है, तो आप क्या करोगे कि मुझे एक दूसरा पीस दिखाना, मतलब दो लेनी है मुझे, या जो भी कहोगे आप यहाँ पर, तो आप दूसरा पीस वो आपको देगा। तो दोनों पर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मैच करवाना। अगर सीरियल नंबर मैच कर जाए दोनों का, तो मतलब कि ये दोनों बैटरीज आपके यहाँ पर फेक है। अगर दोनों का नहीं मैच करता है तो फिलहाल आप अब दुकानदार की बात को मान सकते हो, दुकानदार जो आपको दे रहा है वो आपका यहाँ पर ओरिजिनल हो सकता है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली कह पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दो बैटरी को देख के कंपेयर करके नहीं पता लगा सकते हैं। बट यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आपके पास ओरिजिनल बैटरी है तो ओरिजिनल बैटरी से उसको कंपेयर कर लें, वेट वाइज कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें कि कहीं प्लास्टिक बाहर की तरफ निकला हुआ तो नहीं है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली दुकानदार ही अच्छे से जानता है कि जो प्रोडक्ट आपको वो दे रहा है वो ओरिजिनल है कि यहाँ पर कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, या फिर आपका एक फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो फिलहाल ये दुकानदार से ज़्यादा कोई अच्छे से जानता नहीं है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पर खुद भी पता लगा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बैटरी के दो पीस मांगने हैं और दोनों पीस के ऊपर लिखे हुए सीरियल नंबर को मैच करना है। अगर मैच कर जाते हैं मतलब कि ये जो बैटरी आपको दी जा रही है वो आपके यहाँ पर 100% फेक है। अगर नहीं मैच करते हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल होने के चांसेस हैं, बट एग्जैक्टली दो बैटरी से आप यहाँ पर नहीं अंदाज़ा लगा पाओगे। आपको यहाँ पर कम से कम 5 या 10 बैटरी को चेक करना होगा, और इनका सीरियल नंबर किसी का भी आपस में मैच नहीं करता है, मतलब कि वो जो लॉट है या जो सीरीज़ है
वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल वाली सीरीज़ है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप किसी भी गैजेट को ले रहे हो, किसी भी स्पेयर पार्ट को ले रहे हो, तो फिलहाल उसकी ओरिजिनलिटी को कैसे पता लगाएं, जो आपका यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है वो आपको परमिट करता है। तो फिलहाल इस सीरियल नंबर की हेल्प से आप उनकी साइट में जाकर भी चेक कर सकते हो, नहीं तो दुकान में भैया मुझे दूसरा पीस देना है तो दूसरे पीस में और इस पीस में सीरियल नंबर को चेक कर लेना। अगर मैच कर जाता है फेक है, 100% फेक है। अगर मैच नहीं करता है तो मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो यहाँ पर कुछ हद तक ओरिजिनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर जो फेक प्रोडक्ट बनाते हैं वो सीरियल नंबर की यहाँ पर अलग अलग रखने की दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आप पकड़ सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये है छोटा सा यहाँ पर वीडियो जो कि आपको बता रहा है कि कैसे आप यहाँ पर पता लगाएं कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आपके यहाँ पर ओरिजिनल है कि फेक है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे वाली ऐसी वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो एक नोटिफिकेशन बेल रहेगी उसको भी टैप करके देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।